अपनी खटारा है और इसे पटना से घर तक ले जाना है। आई थिंक ये फर्स्ट ब्लॉग होगा फ्रॉम पटना टू पंचानपुर। रोड व्लॉग है, बने रहो, दिखाता हूँ पटना टू पंचानपुर रोड व्लॉग बीच में क्या क्या। भाई भाई रुको 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 रुको, गन्ने का जूस पी लिया जाए। इस रास्ते से गुजरो और गन्ने का जूस ना पियो तो मज़ा कैसे आती है। वाह, गन्ने के जूस में थोड़ी सी पुदीना, नींबू और काली नमक डाल के पीने के बाद इसका मज़ा ही कुछ और है। मैं तो कहता हूँ गर्मियों में हर किसी को गन्ने का जूस पीना ही चाहिए। बाइक पे बैठोगे तो दोबारा बाइक बैठना छोड़ दोगे आप डर के मारे। नहीं, ऐसा बोरिंग बाइक राइडिंग करते हैं ये। एक और बहम इनको है, इनको लगता है बहुत अच्छा गाते हैं। अरे एक्चुअली वो गाने की बेइज्जती करते हैं हमेशा ये। अरे भैया गाते नहीं है। अरे सर मंगा दीजिए थोड़ा सा। भैया शादी में बैठा जाता है, कैसे बैठ सके। आगे वाले से पूछ लेंगे हम। मस्तिन चला रहा है। नीमा हॉल पास करता तब ना फीलिंग आती है अच्छी वाली यार। चलती धूप में लॉन्ग ड्राइव का मजा ही अलग है। वैसे इनका पागलपन देखिए, प्लेटफॉर्म पे बाइक ड्राइव कर रहे हैं। इनका कहना ट्रेन तो आई नहीं रही, बाइक ही चला लेते हैं।
वैसे मेरा आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन ये है ना गुरुजी, इनका कहना हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। बेटा तेरी जिंदगी बना दिया मैं, बाइक से लेकर आ गया मैं। इतनी मचलती धूप में सोचिए कैसा लग रहा होगा। इस शहर का नाम है मसौड़ी और रेलवे स्टेशन का नाम है तारिकना, रीजन बताया जाता है। देखो इस शहर के पास में एक गांव है जिस गांव का नाम है तारिकना, ठीक है। एक एस्ट्रोलॉजिस्ट थे, नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लो, जो शून्य का खोज किया था अरिस्टोटल अरस्तु। कहाँ के था नहीं पता। आर्यभट्ट कहाँ के थे? गुड। तो आर्यभट्ट सबसे ज़्यादा जो रिसर्च किया था तारों और नक्षत्रों और ग्रहों को लेकर, जो बाद में मॉडल साइंस ने उसे अडॉप्ट कर लिया था और अपना थीसिस दे के किया था, वो यहीं के रहने वाला था, तारिंगना गांव का। अभी भी माना जाता है कि सबसे अच्छा वर्ल्ड में कहीं भी सूर्य ग्रहण दिखाई देता है तो तारिंगना गांव से ही दिखाई देता है। बट हमारी दुर्भाग्य तो देखो सिटी का हालत, मुझे लगता है कि इसको टूरिस्ट प्लेस की तरह अगर डेवलप किया जाता या उसके गांव को ही डेवलप कर दिया जाता तो बहुत सारे टूरिस्ट या रिसर्च करने वाले लोग जरूर आते। लेकिन उसके गांव में कब लोग आते हैं? जब सूर्य ग्रहण लगने वाला होता है तब उसके गांव में आते हैं, सिर्फ देखने के लिए कि यहाँ से मैं सूर्य ग्रहण देखूँगा। कितनी दुर्भाग्य की बात है, मसौड़ी के लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है। जब भी मैं यहाँ से पास किया मुझे फील होना चाहिए कि यहाँ पे एक छोटा सा ओवर ब्रिज होना चाहिए जो इस रेलवे लाइन को क्रॉस कर सके। डेली ना जाने कितने लोग ऐसे ही इस लाइन को क्रॉस करता है यार, अभी बहुत रिस्क फैक्टर है और इसके जाम का तो कहना नहीं, घंटों घंटों जाम लगती है यहाँ। हाय क्या गर्मी है, इस गर्मी में और इस जाम का मजा, वाह मजा मजा ही आ गए। इस लौंडे को देखो, सारा शिष्टाचार भूल गया, एक बार गलती से पूछ भी लेता पानी पियो वे गुरु जी। भाई इस गर्मी में पानी पीने का अलग ही मजा है। चिल मारो। जब प्यासे को पानी मिलता है तो टेस्ट अच्छा ही लगता है। दोबारा बिल्कुल नहीं पूछा पानी पियेंगे कि नहीं, नहीं सुधरेगा रे। आओ इनाम पाओ, आवश्यकता है भल्ला ढकना छिलना, नोजल मैन, 3 सफाई कर्मी, 1 गार्ड, 1 सेल्समैन, 1। भाई तेल भरा नहीं सकते, इनकम इनाम कैसे मिलेगा? ओए ड्राइवर टंकी खोल। भाई पेट्रोल का कीमत 116 रुपये कुछ पैसा। बात कुछ इस प्रकार है कि 116 रुपया कुछ पैसे पेट्रोल डलाने के बाद मेरे को मन कर रहा है साला इलेक्ट्रिक स्कूटी या बाइक ही सही है। भैया मैं जहानाबाद आ गया, इस कड़कती धूप में बाइक ड्राइव का मजा लेने का कुछ और आनंद आता है भाई। लिए जाओ बाइक ड्राइव का मजा लिए जाओ। आई थिंक टेम्परेचर अभी 41 डिग्री सेल्सियस होगा। ये और बोलते बैठने का तो और एक ऑलमोस्ट घर पहुंचने वाला हूं मैं पंचानपुर। भूख लगी है, मंचूरियन, पराठा, सैलेड,
पहले इसे खा पिया ला जाए, उसके बाद कुछ क्या बिना। मुझे ज्यादा भूख लग रही, अब वीडियो बनाई हम खाते हैं। गुड भाई, टेस्टी तो दिखा मेरे को, जो खाना है दोनों मेरे को पास आ जाए। तो फाइनली हम लोग पंचानपुर पहुंच गए और वाओ क्या सनसेट का सीन है, खूबसूरत। ये पंचानपुर ब्रिज है और साथ में सनसेट का सीन है, काफी खूबसूरत लग रहा है। एक वर्ड तो इसके लिए यूज में ही लाया जा सकता है, ऑप्शन। ये पंचानपुर का नदी मोरहर नदी